आज की क्लास में हम बताएंगे कि खेसरा नंबर क्या होता है और खाता नंबर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो आप अंतर भी समझेंगे और वो क्या होता है वो भी समझेंगे और स्पष्ट हो जाएंगे, ठीक है, आखिर होता है क्या। देखिए, बहुत सारे व्यक्ति पेपर वगैरह देखते हैं, जमीन नापी कराते हैं या जमीन का कुछ भी बात करते हैं, यानी प्लॉट का, तो खाता खेसरा उसमें नाम स्पष्ट रूप से आता है। खाता खेसरा कि ये मेरा खेसरा है, इस खेसरा का इतना रकवा है, ये खाता का ये खेसरा है, बहुत सारे व्यक्ति सुनते देखते होंगे। तो देखिए, समझिए क्या होता है। सबसे पहले हम खेसरा देखेंगे, पहला हम खेसरा देखेंगे। देखिए खेसरा, देखिए खेसरा नंबर, खेसरा नंबर, खेसरा नंबर को इंग्लिश में प्लॉट नंबर कहते हैं। प्लॉट नंबर जानते होंगे, खेसरा नंबर को इंग्लिश में प्लॉट नंबर कहते हैं। आप इंग्लिश में प्लॉट नंबर इसको जानते होंगे, बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं कि फर्स्ट बार सुने होंगे। तो ये प्लॉट नंबर है, खेसरा नंबर को इंग्लिश में प्लॉट नंबर कहते हैं। और ये होता है क्या, देखिए जब सर्वे होता है ना, जब सर्वे होता है तो सर्वे के दौरान एक नक्शा क्रिएट किया जाता है, एक नक्शा बनाया जाता है। उस नक्शा में मतलब प्लॉट बाय प्लॉट, यानी प्लॉटिंग किया जाता है, यानी मतलब जमीन को, टुकड़े को, ठीक है, जिसका जो भी जमीन है और जिस आकार का, उस आकार में उसको क्या किया जाता है, आकार देके सेट किया जाता है कोई भी पैमाना पे। इतना समझिए, पैमाना वगैरह आप नहीं समझिए, इतना समझिए, नक्शा के दौरान जो भी जमीन जिस रूप में रहता है उस रूप में क्या होता है, उसमें प्लॉट बना दिया जाता है। उस प्लॉट को सीरियल नंबर दिया जाता है, क्या, सीरियल नंबर दिया जाता है, तो जिसको हम सिलसिले बार नंबर भी कहते हैं, यानी एक क्रमबद्ध तरीका से नंबर को देने वाली की जो प्रक्रिया होता है वो सिलसिले बार होता है। उसको क्या कहते हैं, सिलसिले बार, क्रमबद्ध तरीका से जो नंबर दिया जाता है वो सिलसिले बार, उसी को कहते हैं। और जो सिलसिले बार तरीका से, यानी क्रमबद्ध तरीका से जो नंबर दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, खेसरा नंबर। क्या कहते हैं, खेसरा नंबर, यानी प्लॉट नंबर। यानी आप स्पष्ट रूप से बोलेंगे कि खेत, अगर बोला जाए जमीन को, टुकड़ा को जो नंबर दिया जाता है उसे हम खेसरा नंबर कहते हैं, या खेत का, ठीक है, कोई भी खेत है, मान के चलिए कोई भी प्लॉट है, तो उस खेत का जो नंबर होगा, देहाती भाषा में खेत का जो नंबर दिया जाता है उसे खेसरा नंबर कहते हैं, या जमीन का जो टुकड़ा रहता है नक्शा में उसको जो नंबर दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, खेसरा नंबर। यानी जमीन का वैसा टुकड़ा जिसको सर्वे के दौरान जो नक्शा तैयार किया जाता है सिलसिलेवार तरीका से, जो सीरियल नंबर दिया जाता है, यानी एक नंबर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, खेसरा नंबर कहते हैं। ठीक, तो खेसरा नंबर आप लोग को समझ में आ गया। और दूसरा होता है खाता नंबर। क्या होता है, खाता नंबर। देखिए खाता नंबर को जो है ना इंग्लिश में हम खाता नंबर ही कहते हैं। क्या कहते हैं, खाता नंबर को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, खाता नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए जब सर्वे होता है या जमीनी का जो सर्वे होता है, कोई भी सर्वे, आप लोगों को पता ही है कि चार प्रकार का सर्वे हुआ है, थोक वर्ष सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, कंडस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे। ठीक है, तो सर्वे बहुत प्रकार का हुआ है, सर्वे के बारे में हम आप लोग को एक स्पष्ट रूप से क्लास लेंगे, उसका थोड़ा हिस्ट्री बताएंगे, बहुत मजा आएगा, देखेंगे कैसे क्या हुआ, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, जन्म कैसे हो उसका हुआ। तो जब सर्वे के दौरान जो है किस किसान का कितना जमीन है, ठीक है, किस किसान का कितना जमीन है, उसके लिए एक खाता खोला जाता है। क्या खाता खोला जाता है, जिसको हम क्या खाता बोलिए, अगर हम नॉर्मल भाषा में उसको खाता इसलिए बोल रहे कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है, जमीन का खाता, जमीन का एक खाता खोला जाता है। उस खाता में जैसे आप पैसा रखते हैं तो आप कोई ना कोई आपका अकाउंट होता है, खाता होता है, उसमें आपको पैसा होता है। उसी प्रकार किसान का जो जमीन है उसके लिए भी एक खाता होता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, खाता, एक खाता होता है जिसको हम मतलब खाता, जैसे आप लोग कभी पीएनबी में बैंक, पीएनबी बैंक में कभी खाता खोला लेते हैं, कभी एक्सिस में, कभी बहुत सारे खाता रखते हैं, ठीक है, सब में कुछ ना कुछ पैसा रखते हैं। उसी प्रकार किसान का जो जमीन है उस जमीन का जो पूरे जो ब्योरा, ब्योरा के साथ बोला जाए जमीन का डिटेल्स,
क्या है कितना है उस खाता में लिखा जाता है, रखा जाता है, उस खाता में पूरे डिटेल्स रहता है। जैसे आपका पैसा का कितना कितना फिक्स किए हैं, कितना का SIP कराए हैं, कितना में क्या, मतलब जो अपने अकाउंट में जितने एक्टिविटी किए रहते हैं, कितने व्यक्ति सेविंग में रखते हैं, कितने व्यक्ति मतलब फिक्स करवा देते हैं, कितने SIP किराए रहते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। उसी प्रकार आपका जो खाता होता है उसका भी रिकॉर्ड होता है, लेकिन उस खाता उसको नहीं बोलेंगे, उसको खतियान कहते हैं, ठीक है, खतियान। तो खतियान का एक नंबर दिया जाता है, वो खतियान का एक नंबर दिया जाता है, जिसको खाता नंबर हम जो यहाँ पे लिखे हैं, समझिए वो खतियान का नंबर है। समझिए ये आपका जमीन, कौन जमीन का, मतलब जमीन का पूरे डिटेल्स, जिस प्रकार आपके अकाउंट में कितने पैसा आप रखे हैं सेविंग में, कितने में FD करवाए हैं, कितना को मतलब जो भी इंश्योरेंस वगैरह जो भी जैसे होता है ब्योरा, SIP मतलब कितना शेयर मार्केट में आपको, मतलब अगर आप जो नहीं समझ रहे होंगे कोई बात नहीं, यानी अकाउंट में भी बहुत जगह आप पैसा लगाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति समझते हैं अकाउंट में पैसा रखते हैं, लेकिन अकाउंट में बहुत जगह आप पैसा उसको डालते हैं कि इधर डाल देते हैं, इधर डाल देते हैं, यानी FD करवा लेते हैं, फिक्स करवा देते हैं, कुछ पैसा सेविंग में रहेगा, कुछ पैसा को हम शेयर मार्केट में जो है ना मतलब SIP करा लेते हैं, अकाउंट से लिंक कर देते हैं, ऑटोमेटिक अकाउंट से करता रहेगा, तो SIP कराते हैं तो उसका डिटेल्स रहता है। उसी प्रकार आपका मतलब उस खाता का मतलब आपका खाता है, ठीक है, खाता का एक नंबर दिया जाता है, उसी प्रकार खतियान जो होता है ना, खतियान का एक नंबर होता है, उसको खाता नंबर कहते हैं। जिस प्रकार अकाउंट नंबर होता है ना, उसी अकाउंट नंबर जो है आप लोग थोड़ा समझिएगा, ठीक ना, अकाउंट नंबर हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए। अब ये सब छोड़िए, जो भी बोले हैं उस सब को आप साइड में रख दीजिए, हम एक लाइन में अब आपको जवाब दे देते हैं और समझ लीजिएगा। खतियान का जो नंबर होता है ना, उसको हम खाता नंबर कहते हैं। खतियान के सिलसिले बार नंबर को हम खाता नंबर कहते हैं। जब आपका खतियान बनता है, तो खतियान जब आपको बनता है, तो उस समय बनने के समय में एक नंबर दिया जाता है, उसको हम खतियान नंबर कहते हैं, सिलसिलेवार नंबर। जिस प्रकार स्कूल में आप एडमिशन करवाते हैं तो आपका एक रोल नंबर बनता है, उसी प्रकार जिस समय आपका ये खतियान बना, वो खतियान का एक नंबर दिया गया, उसको क्या कहते हैं, खाता नंबर। यानी खतियान के सिलसिलेवार नंबर को हम खाता नंबर कहते हैं, ठीक ना। और ये होता है क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिनका खतियानी जमीन होता है ना, उसके पास ये पेपर होता है, ठीक है। खतियानी जमीन आपके पास, समझिए जितने भी जमीन है और जितने भी जो खाता में जितना जमीन है, पूरा ब्योरा उस खाता में लिखा रहता है। और एक व्यक्ति का एक ही खाता नहीं होता है, जिस प्रकार आप कोई भी व्यक्ति हैं जिसका दो तीन जगह अकाउंट खुला रहता है, कभी PNB में खुला रहते हैं, कोई SBI में कहीं SBI में खुलाए रहते हैं, यानी बहुत व्यक्ति को देखेंगे SBI में भी खुला लिया, और कभी PNB में खुला लिया, कभी एक्सिस बैंक में खुला लिया, कभी बंधन बैंक, यानी दो तीन को भी रखते हैं, कितना व्यक्ति एक ही रखते हैं, लेकिन ये खाता एक ही नहीं होता है, कितने व्यक्ति के पास खतियान देखेंगे, दो दो तीन तीन खतियान रहता है, यानी वो खतियान रहता है जिसमें उसका जमीन का पूरा ब्योरा रहता है, उसके पास क्या है जमीन नहीं है, हर खाता खतियान में सारा ब्योरा रहता है, समझ गए। तो ब्योरा जो रहता है ना, उसका उसमें एक नंबर होता है, ये नंबर खाता नंबर, यानी खतियान का नंबर, यानी खतियान के सिलसिले बार नंबर को हम खाता नंबर कहते हैं। देखिए हम बार बार रिपीट करके हम आप लोग को इसलिए समझाते हैं कि मस्तिष्क में सेट हो जाए। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं टीचर खुद कन्फ्यूज हैं, ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं, तो आप मैसेज करते हैं इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज भरपूर कीजिए, लेकिन हम आपको बता देते हैं अच्छा से अच्छा तरीका से आप कैसे समझे, हम उस प्रयास में रहते हैं, नहीं तो काहे यहाँ पे इतना पसीना निकालेंगे और इतना जो मुंह दुखाएंगे, यानी अपना मुंह दुखाएंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे। हम आपको सिर्फ समझाने के लिए ये इतना बोलते हैं, चलिए ठीक है, ये देखें। और इसके बाद हम और सारे देखेंगे कि राजस्व नंबर यानी थाना नंबर क्या होता है, हलका नंबर क्या होता है, तौजी नंबर क्या होता है, जमाबंदी नंबर क्या होता है, सारे डिटेल्स हम देखेंगे बारी बारी से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको अमीन का ट्रेनिंग लेना है तो ले सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर है उसमें कॉल कीजिए, या जमीन का नापी आपको बिहार में किसी भी जिला में करवाना है या झारखंड के किसी भी जिला में करवाना है तो आप करवा सकते हैं, नापी भी करवा सकते हैं, अगर ट्रेनिंग लेना चाहेंगे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और आपको बता दें
यहाँ पे जो अमीन जाएंगे गांव घर वाला झोला छाप वाला अमीन नहीं जाएगा, डिप्लोमा होल्डर जाएंगे जो निष्पक्ष पारदर्शी और सटीक नापी करके आपको देंगे, ठीक है, और पेपर वगैरह सब बना को देंगे, ठीक है, कि आपको क्या नापी हुआ नहीं हुआ है प्रोफेशनल तरीका से, ठीक है। और चलिए, विशेष जानकारी जिनको लेना हो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, जिनको ट्रेनिंग लेना है अमीन का या आपको ज़मीन का नापी करवाना है। जय हिंद।